नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। परिवार की बेरुखी के बाद भी इंजीनियर बेटे का प्यार परवान चढ़ा और शादी तक कर ली। शादी के 5 माह के भीतर ही प्यार में तकरार शुरू हो गई और अंततः इंजीनियर पति ने जहर पीकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हालांकि बेटे के मौत के बाद पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बहू जया उस पर शक करती थी और उसे नौकरी पर भी जाने नहीं देती थी। वह सौरभ को कई बार मारा करती थी और खाना भी नहीं दिया करती थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ शिंदे ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी लगने के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी के अनुसार घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है, जब पुलिस को जिला अस्पताल से सूचना मिली थी कि सौरभ शिंदे नामक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर कमरे को सील किया। वहीं सौरभ शिंदे की शादी 5 माह पूर्व जया से हुई थी। दोनों की लव मैरिज होने के कारण दोनों ही परिवार से अलग रह रहे थे। पिता का आरोप है कि बहू ने सौरभ को जहर दे दिया है। वहीं लड़की पक्ष को कई बार शादी के लिए इंतजार करने की भी बात कही गई थी, लेकिन लड़की के परिवार वाले नहीं माने, जिसके बाद सौरभ और जया ने शादी की। वह दोनों ही द्वारिकापुरी इलाके में किराए के मकान लेकर रह रहे थे। घटना के बाद सुभाष के पास पुत्र सौरभ का फोन आया था। उन्होंने बताया कि फोन पर वह इस बात का जिक्र कर रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद उन्होंने फोन पर भी यह बात कही कि उन्हें लोकेशन नहीं मालूम है, वह सौरभ के पास कैसे पहुंचेंगे। कुछ देर बाद मकान मालिक से बात होने पर सुभाष ने सौरभ को अस्पताल ले जाने की भी बात कही। वहीं सौरभ के पिता का यह भी आरोप था कि शादी के बाद दोनों परिवार से अलग हो गए। सौरभ गुजरात की हिताची कंपनी में काम करता था, लेकिन 8 माह से वह बेरोजगार था। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जया उस पर शक करती थी और उसे नौकरी पर जाने नहीं देती थी। युवती सौरभ को कई बार मारा भी करती थी और खाना भी नहीं दिया करती थी। कई बार मारपीट से परेशान होकर सौरभ पिता को इस बारे में बताया करता था। वहीं थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद दोनों पक्षों के बयान लेना बाकी है। प्रथम दृष्टया जिस तरह से कमरे में बदबू आ रही थी, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि सौरभ ने कोई जहरीले वस्तु या कीटनाशक पदार्थ पीकर यह कदम उठाया है। मेरे बेटे के साथ उसकी मिसेस ने उसको जहर दे दिया, ऐसा मेरे लड़के ने मुझे बताया। फोन करके मुझे फोन करा और मेरे को रो रो के बोलता रहा, पापा पापा इसने मुझे कुछ खिला दिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। वो झगड़े होते थे उनके, हर दूसरे तीसरे दिन जो वो उससे झगड़ती थी, वो कभी काट लेती थी उसको, पीठ पे काटा था उसको। 6 महीने शादी में हुए थे बता रहे हैं जी, पर अभी कोई मुझे अपने सामने आई नहीं है। वहाँ से बता रहे हैं घटना तस्वीर कर रखा है, अभी कुछ टीम आई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।